हाय गाइस, मैं नमन है। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि किसी भी अगर स्मार्टफोन को अगर आप रूट करते हैं तो रूट करने का क्या फायदा है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप रूट करते हैं मोबाइल को तो उसके लिए क्या होगा कि अगर आपके मोबाइल में अगर एंड्रॉइड वर्जन 5.1 है या 6.1 है तो उस मोबाइल को जो है आप कन्वर्ट 7.1 में कर सकते हैं। दूसरी बात यह कि किसी भी सैमसंग फोन का अगर आप IMEI रिपेयर करना चाहते हैं या उसका IMEI आप चेंज करना चाहते हैं तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, IMEI रिपेयर करने के लिए मैंने सैमसंग J2 का IMEI रिपेयर का एक वीडियो बना रखा है, उसे आप देख सकते हैं और उस वीडियो को देख करके आप IMEI चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मान के लिए उस वीडियो मैंने IMEI रिपेयर करने के लिए बताया था और उसमें अगर आप कोई और IMEI नंबर डाल करके उसे अगर आप जो है वहाँ पे अगर आप रिपेयर करेंगे तो वो IMEI जो है चेंज हो जाएगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि IMEI जो चेंज करना गैरकानूनी है, तो आप IMEI चेंज ना करें और आप IMEI रिपेयर ही कर सकते हैं। लेकिन रिपेयर करने के लिए भी आपको या चेंज करने के लिए भी आपको सबसे पहले आपके फोन को जो है आपको TWRP फाइल से जो आपको फ्लैश करना होगा ओडिन टूल के जरिए से। उसके बाद जब वो फ्लैश हो जाएगा मोबाइल, उसके बाद उस मोबाइल के अंदर में आपको जो है उसके इंटरनल मेमोरी में आपको जो है उसमें आपको सुपर SU फाइल जो है उसमें डाल देना होगा उस फोन के अंदर में। उसके बाद उस सुपर SU फाइल को उस मोबाइल में आपको इंस्टॉल करना है। तो ये सारी की सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आप जानना चाहते हैं तो फिर इस वीडियो को आप लास्ट तक का देखते रहें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे EX मन्नन YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, यहाँ पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपने हमारे चैनल को अगर पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है और आपने अभी तक इस बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। आप इस घंटे को आप जरूर दबाएं ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको आपके मोबाइल पर मिल जाए और आप आसानी से देख सकें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पे जो है TWRP फाइल जो है आपको ओडिन टूल में आपको सिलेक्ट करना होगा। आप यहाँ पे देख रहे हैं सैमसंग J510F 6.1 इसका वर्जन है, ठीक है। इस फाइल से हम जो इस ओडिन टूल के जरिए से हम इस मोबाइल को जो है फ्लैश कर देंगे। और दोस्तों मान के चलिए अगर आपके पास कोई और सैमसंग का मॉडल है, किसी और मॉडल का अगर आपके पास मोबाइल है, अगर उस मोबाइल का अगर आप IMEI रिपेयर करना चाहते हैं या उसे चेंज करना चाहते हैं या उस मोबाइल का अगर आप एंड्रॉइड वर्जन चेंज करना चाहते हैं तो उस मॉडल का आप जो है TWRP फाइल नेट से डाउनलोड कर लें और उसका जो सुपर SU फाइल है उसे आप डाउनलोड कर लें उस मॉडल का, ठीक है। यानी जिस मॉडल का आपको अगर करना है तो उसी मॉडल का आपको जो है TWRP फाइल जो है आपको डाउनलोड करना होगा और जिस तरह से मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ ओडिन टूल में इसी तरह से आपको फ्लैश कर देना होगा। और उसके बाद जब ओडिन टूल से फ्लैश हो जाएगा वो मोबाइल तो उस मोबाइल को जो है कंप्यूटर में लगाना है, उसका जो इंटरनल मेमोरी है, ठीक है, उसके फोन मेमोरी में आपको जो है ये सुपर SU फाइल आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये सुपर SU फाइल आपको उसके फोन मेमोरी में डाल देना है। और जब ये सुपर SU फाइल उसके इंटरनल मेमोरी में डल जाता है तो उसके बाद आपको करना क्या है कि उस मोबाइल को आपको उसका बैटरी निकालना है। बैटरी निकालने के बाद उस मोबाइल में आपको जो है उसका जो रिकवरी मोड है, रिकवरी मोड में आपको जाना है। तो रिकवरी मोड में आपको लेके जाना है उस मोबाइल को और जब रिकवरी मोड में आप लेकर के जाएंगे तो इसका जो इंटरफेस कुछ अलग तरह से आपको यहाँ पे दिखेगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका जो है इंटरफेस जो कुछ अलग तरीके से दिख रहा है क्योंकि इसमें जो हमने जो है TWRP फाइल से जो फ्लैश किया था इसके वजह से ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे ऐसे करने के बाद यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन है और इंस्टॉल के पर जब हम क्लिक करेंगे यहाँ पे तो जो फाइल हमने यहाँ पे डाली थी इंटरनल मेमोरी में वो फाइल यहाँ पे सबसे नीचे में जो यहाँ पे शो करेगा। तो इस फाइल को हमें सेलेक्ट कर लेना है। जैसे हम इस फाइल को सेलेक्ट कर लेंगे, ये सुपर SU फाइल को हम यहाँ पे जब सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद यहाँ पे हमें चेक लगा देना है। चेक लगाने के बाद हमें यहाँ पे इस तरफ जो है राइट की तरफ जो हमें यहाँ पे स्क्रॉल करना है और ये ऑटोमेटिकली जो है यहाँ पे इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। तो कंप्लीट ये जब इंस्टॉल होगा तो उसके बाद आपको मोबाइल को यहाँ पे जो है रिस्टार्ट करने का ऑप्शन आएगा और उसके बाद इस मोबाइल को हमें यहाँ पे रिस्टार्ट करना है। चलिए पहले इस मोबाइल को हम यहाँ पे इसे इंस्टॉल होने देते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कंप्लीट जो यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन है रिबूट का, तो हमें यहाँ पे रिबूट पे क्लिक कर देना है। जैसे हम यहाँ पे रिबूट पे क्लिक करेंगे हमारा मोबाइल जो ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिस्टार्ट होगा और रिस्टार्ट होने के बाद ये हमारा मोबाइल जो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऑन होगा।
तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस मोबाइल का अगर एंड्रॉइड वर्जन चेंज करना चाहते हैं तो मान के चलिए इसका 6.1 है, आप इसे 7.1 इसमें डालना चाहते हैं तो दोस्तों मैं जो 7.1 का आपको जो इसका फ्लैश फाइल आपको नेट से डाउनलोड करना होगा और उस फ्लैश फाइल से आपको ओडिन टूल के जरिए से इस मोबाइल को फ्लैश कर देना होगा और ये मोबाइल जो 6.1 था ये 7.1 में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसका अगर आपको IMEI चेंज करना है तो IMEI चेंज करने का जो IMEI रिपेयर करने का जो वीडियो मैंने डाल रखा है और तरीका बिल्कुल सेम है, बस उसमें आपको जो है IMEI अगर आपको चेंज करना है तो वहाँ पे आपको जो है दूसरा IMEI नंबर लिख करके उसमें डालना है और रिपेयर पे क्लिक करना है और IMEI आपका चेंज हो जाएगा। तो ये वीडियो मैंने बना रखा है IMEI रिपेयर करने का, सैमसंग J2 IMEI रिपेयर का वीडियो है, आप उस वीडियो को देख करके IMEI रिपेयर कर सकते हैं और चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपको किसी काम आया तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें फेसबुक व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ। और आपने हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब कर लिया है और बेल आइकन को अभी तक प्रेस नहीं किया है तो उस घंटे को आप जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप आसानी से देख सकें। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने जो अभी सुपर SU फाइल इंस्टॉल किया था इस मोबाइल में, ये स्क्रीन पर यहाँ पे दिख रहा है सुपर SU फाइल। जब इस तरह से आपके स्क्रीन पर आ जाएगा तो आप समझ लेंगे आपका फोन जो कंप्लीट रूटेड हो चुका है, उसके बाद आप अपने फोन में कुछ भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।